सो गाइस, आप में से जितने भी सारे लोग छोटे यूट्यूबर हो, सबसे पहले आप लोगों को मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ नाच लो जी भर के, क्योंकि आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। चलो नाचो फटाफट से। अरे नाच लो भाई, आज मौका आया है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आप सभी लोगों के लिए ऐसे गाइस अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं जिससे छोटे चैनल अब तेजी से ऐसे रॉकेट बनने वाले हैं, यानी कि रॉकेट बनने वाले हैं, यानी कि तेजी से ग्रो होने वाले हैं। देखो, बड़े बड़े चैनल तो अपने चैनल को ग्रो कर लेते हैं, उनके चैनल पर सब्सक्राइबर बेस है, वो तो व्यूज ले आएंगे, उनका चैनल ग्रो हो जाता है, बट आपका चैनल ग्रो नहीं होता। लेकिन आप सभी के लिए ऐसी खुशखबरी भाई आ चुकी है, अब तो चैनल ग्रो होगा ही होगा, खुशखबरी इतनी तगड़ी है। चलो एक एक करके इस वीडियो में हम सारे के सारे अपडेट्स जानने वाले हैं, सारे के सारे मजेदार जो अपडेट्स छोटे यूट्यूबर्स के लिए निकल कर आ चुके हैं जानने वाले हैं। वीडियो ये काफी ज्यादा मजेदार है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को देख के तो आपको खुशी मिलेगी, आपको मजा आएगा, आपको अपडेट्स के बारे में जानने को मिलेगा, इसीलिए कह रहा हूँ सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेगा, आज के इस मजेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी आप लोग यहाँ पर प्रूफ देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटर टिप्स चैनल मैनेजमेंट, यहाँ लिखा हुआ है 6 things यू मस्ट चेक बिफोर यू अपलोड योर वीडियो। अब जब भी आप वीडियो को अपलोड करने जा रहे हो, 6 चीजों को चेक कर लेना छोटे यूट्यूबर्स, आपकी वीडियो वायरल होगी, चाहे शॉर्ट वीडियो बनाते हो वो वायरल हो जाएगी, लॉन्ग वीडियो बनाते हो वो वायरल हो जाएगी। बस 6 चीजों को चेक कर लेना वीडियो अपलोड करने से पहले, कौन कौन सी है देखो यहाँ पर। सबसे पहला है रिजोल्यूशन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर लिखा हुआ है द रिजोल्यूशन मस्ट बी सेट टू एटलीस्ट 720 पिक्सल और 1080 पिक्सल फॉर ऑप्टिमल व्यूइंग। देखो, अगर व्यूअर को अपनी अच्छी वीडियो को दिखाना है तो आपकी क्वालिटी 720 पिक्सल में होनी चाहिए या फिर 1080 में होनी चाहिए, इससे कम में नहीं होनी चाहिए। लाइक आप 360 पिक्सल पे बना रहे हो, 480 पिक्सल पे बना रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। इतना आप लोगों को ये कंप्लीट चेक करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, यूट्यूब ने यहाँ पर आपको एक चीज बता दी। दूसरे ऑप्शन पे गए, जैसे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये मेन इंपॉर्टेंट है, छोटे यूट्यूबर्स ने अगर इस पर फोकस कर लिया गारंटीड वो अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे, इतना मैं लिख के दे रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है एंटर कीवर्ड्स प्लस योर चैनल नेम इन योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मैं क्यों, मैं क्या पागल हूँ, मैं आप लोगों से बोलता हूँ अपने चैनल नेम को टाइटल में डाला करो, क्यों बोलता हूँ, यूट्यूब यहाँ पर बता रहा है क्यों, क्योंकि इससे आपकी वीडियो भी रैंक करेगी, इससे आपका चैनल भी रैंक करेगा, तो इससे आपको बेनिफिट कितने होने वाले हैं। इसी वजह से कहता हूं मैं, कीवर्ड के साथ अपने चैनल का नेम जरूर डालो। यहां पर YouTube वही बताने की कोशिश कर रहा है, पहले तो कीवर्ड्स डाल दो अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स डालो, बोला है मैं हजारों बार बोलता हूं, और प्लस योर चैनल नेम, आपका चैनल नेम भी डाला होना चाहिए, इससे आपकी वीडियो परफेक्ट तरीके से, आपकी वीडियो वायरल होने के लिए रेडी होती है। अभी भी 4 पॉइंट बचे हुए हैं, 6 पॉइंट में से सिर्फ 2 पॉइंट बताए हैं, अभी 4 पॉइंट आप लोगों को सुनने के बाद इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि गारंटीड अपनी यहां पर वीडियो वायरल करवा लोगे, छोटे चैनल वालों जितने भी हो सभी लोग सुनो। तीसरा है यहां पर वीडियो का थंबनेल, यहां लिखा हुआ है क्रिएट एन अट्रैक्टिव थंबनेल बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड देयर प्रेफरेंसेस। यहां पर जो है आपको टारगेट ऑडियंस के हिसाब से थंबनेल बनाना है। यहां पर देखो, जैसे ही आप लोग अपलोड फाइल पर क्लिक करोगे और बिना अपलोड किए भी आपका यहाँ पर ऑटो जनरेटेड, यानी YouTube की तरफ से एक ऑटो जनरेटेड थंबनेल आ जाएगा, तो आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, इसको भी चेक कर सकते हो। अगर ये आपके लिए परफेक्ट है जो YouTube ने बना के दिया है, उसको लगा के भी आप अपनी वीडियोस पर क्लिक ला सकते हो और वहां से अपनी वीडियो को वायरल करवा सकते हो, लॉन्ग वीडियोस को अच्छी तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर टेस्ट एंड कंपेयर वाला भी फीचर देखने को मिल गया है। यहाँ पर आप लोग 3 थंबनेल लगा के YouTube के भरोसे छोड़ सकते हो, यानी कि 3 थंबनेल आपने लगाए, अब YouTube खुद जजमेंट करेगा, खुद लोगों को 3 थंबनेल दिखाएगा और 3 में से जो भी थंबनेल आपका परफेक्टली वर्क करेगा ऑडियंस के लिए, वो वहां पर विनर हो जाएगा, उसको फिर YouTube सजेस्ट करेगा कि आप ये थंबनेल लगा लो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो ये तीसरा था पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, वीडियो थंबनेल। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है एंड स्क्रीन सेटिंग्स। छोटे यूट्यूबर्स ये करना शुरू कर दो, आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। वो है रिकमेंड अदर वीडियोज, यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम योर चैनल ऑन द फाइनल स्क्रीन टू एनकरेज मोर व्यूज। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज चाहिए, अगर आपको मोर व्यूज चाहिए, तो ऐसे में आपको रिकमेंड करनी पड़ेंगी अदर वीडियोज, किसके माध्यम से, एंड स्क्रीन के माध्यम से, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्टली तरीके से छोटे यूट्यूबर्स के लिए, बड़े यूट्यूबर्स के लिए, हर किसी के लिए आज तक काम करती हुई आ रही है। तो एंड स्क्रीन को लगाना शुरू करो, ये बेनिफिट आपको बहुत ही तगड़े रूप में देने वाला है। पांचवें जब हम स्टेप पर जाते हैं, तो यहां लिखा हुआ है पांचवा है इन्फो कार्ड सेटिंग, रिकमेंड अदर वीडियोज और रिलेटेड चैनल्स और लिंक्स बेस्ड ऑन योर वीडियो। यहां पर आप लोगों को क्या करना है, वीडियोज को रिकमेंड करवाने के लिए आपको आई कार्ड भी लगाना है। आई कार्ड कैसे लगता है, यहाँ पर लगता है, यहाँ वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो, प्लेलिस्ट को प्रमोट कर सकते हो, चैनल को प्रमोट कर सकते हो और कोई भी लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अच्छा बेनिफिट YouTube आपको दे रहा है, बहुत परफेक्टली तरीके से ये आपको बेनिफिट दे रहा है YouTube, जो कि आप लोगों को फोकस के साथ इन पर काम करना है। अगले स्टेप पर जब हम चलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, यहाँ लिखा हुआ है छठवां पॉइंट टैग सेटिंग्स। यहाँ लिखा हुआ है द मोर कीवर्ड्स
यू इंक्लूड रिलेटेड टू योर वीडियो द बेटर। जितने अच्छे खासे ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स आप एड ऑन करोगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को एड ऑन करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी वीडियो के लिए बेहतर होगा, उतने ही ज्यादा आपकी वीडियोस को प्रमोट किया जाएगा और यहां पर आपकी वीडियोस को वायरल भी किया जाएगा अगर आप ये सेटिंग को कर लेते हो। तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स थे मैंने आप लोगों को बताए, ये सारे के सारे अपडेट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। अगर आप इनको वीडियो अपलोड करने से पहले सारी चीजों को फोकस करके काम करोगे, देखो मैंने इसमें कोई भी अपना पॉइंट एड ऑन नहीं किया है, YouTube ने जो पॉइंट बताए थे मैंने आप लोगों को बता दिए और ये अल्टीमेट तरीके से काम करते हैं भाई। जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सारे के सारे आप सभी के लिए काम करेंगे और सबसे मेन क्वालिटी अपनी वीडियो की अच्छी रखेगा। उसी के साथ चैनल नेम वगैरह सब चीज बता दिया, थंबनेल में टेस्ट एंड कंपेयर वाला फीचर आ गया, फायदा उठाओ यार, सब लोग फायदा उठा रहे हैं, आप क्यों नहीं उठा रहे, ठीक है तो फायदा उठाइएगा गाइज। ये सारे के सारे अपडेट्स थे, कैसे लगे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं ऐसे किसी अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।